प्रसाद मान के स्वीकार करो तो आदमी उपलब्धियों पर अहंकार नहीं करेगा, आदमी उपलब्धियों का उत्सव तो मनाएगा। उपलब्धियों का उत्सव मनाना कोई बुरा नहीं है, पर अहंकार मत करो, अहंकार मत करो, क्योंकि जो मिला है वो सदा के लिए किसी को नहीं मिलता। ये वसुधा काबू की ना भई, भरत चक्रवर्ती छखंड का राजा, उसकी भी ये पृथ्वी नहीं हुई, पर हम कहते मैं इसका मालिक, मैं इसका स्वामी, मैं इस मकान का मालिक, मैं इस मकान का स्वामी, मैं इस जमीन का मालिक, मैं इस जमीन का मालिक, मैं इस जमीन का स्वामी, स्वामी 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 स्वामी। आपको पता होना चाहिए देश के एक हिस्से का नाम कन्याकुमारी है, देश के एक हिस्से का नाम कन्याकुमारी है। वो कन्याकुमारी शब्द कहता है मेरा आज तक कोई स्वामी नहीं हुआ, मैं तो कल भी कुमारी थी, आज भी कुमारी हूं, कन्याकुमारी। मैंने किसी को आपका स्वामी स्वीकार नहीं किया, मैंने किसी को आपका पति स्वीकार नहीं किया, मैं कल भी कुमारी थी, आज भी कुमारी है, इसलिए कन्याकुमारी। ये पृथ्वी काहू की ना भाई, इसलिए इस मुल्क के ज्ञानियों ने कहा घर में रहो, परिवार में रहो, ऑफिस भी जाओ, दफ्तर भी जाओ, काम पे भी जाना जाओ, मगर उसको कर्म समझ के करो, आसक्ति मत रखो, आसक्ति मत रखो। ये आसक्ति संसार है, भगवान महावीर ने कहा पत्नी संसार नहीं है, पुत्र संसार नहीं है, पति संसार नहीं है, इनके प्रति जो आसक्ति है वो संसार है। और आसक्ति का मतलब आसक्ति जो आ तो शक्ति है लेकिन जा नहीं सकती वो आसक्ति, जो आ तो शक्ति है मगर जा नहीं सकती उसका नाम, ये आसक्ति का नाम संसार है। इसलिए जीवन के लिए विनम्रता से कहूंगा, घर में रहिए, परिवार में रहिए, पति होने के नाते आपको जो फर्ज है उसे निभाइए, पत्नी होने के नाते जो आपकी ड्यूटी है उसे निभाइए, बेटा बेटी होने के नाते जो आपका धर्म है उसे निभाइए, माँ बाप होने के नाते जो आपका कर्तव्य है उसे निभाइए, मगर इस बात को मत भूलिए कि एक दिन सब कुछ छोड़ करके इस बात को मत भूलिए कि एक दिन इस दुनिया से कुछ करना है। इसलिए ना जाने कब नगाड़ा बज जाए कुछ करने का, ना जाने कब नगाड़ा बज जाए कुछ करने का। इसलिए मैंने अपनी पुस्तक कड़वे प्रवचन में लिखी, अगर कल के अखबार में चार लाइन लिखिए जीवन को बदल देने वाली लाइनें होंगी, अगर कल के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कालम में तुम्हारा नाम ना छपा हो, अगर कल के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कालम में तुम्हारा नाम ना छपा हो तो परम श्रद्धा से उस प्रभु का नाम अपने दिल में छाप लेना। अगर कल के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कालम में तुम्हारा नाम ना छपा हो तो परम श्रद्धा से उस प्रभु का नाम अपने दिल में छाप लेना, और दम निकलने से पहले उस प्रभु की भक्ति में दम लगा देना, जीवन सार्थक और धन्य हो जाएगा। मत भूलो कि एक दिन दुनिया से जाना है, मत भूलो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा दो बातों को मत भूलिए, एक तो अपने भगवान को मत भूलिए,